आज मैं रवा इडली बनाई हूँ। रवा यानी सूजी का इडली। उम्मीद करती हूँ आपको ये हेल्दी और झटपट बनने वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी। ये बहुत ही हेल्दी है, बच्चे को बहुत पसंद है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, सुनीता की सुनहर रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं ये कैसे बनते हैं और इनके प्रोसेस क्या हैं। और हाँ, सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं रवा इडली बनाना। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ये घर के सामान से ही इस बन जाते हैं। इसमें कोई ज़्यादा झंझट का चीज़ नहीं है, इसलिए बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए शुरू करते हैं इडली बनाना। सबसे पहले हम कप या कटोरी सेट कर लेंगे। फिर इसमें हम उसी कप के नाप से सूजी डालेंगे, यानी हम 2 कप सूजी डाले हैं। ये 180 ग्राम का कप है, यानी 2 कप दिए हैं तो 250 ग्राम सूजी होगा। 2 कप सूजी डाल दिए। अब इसका हम बैटर बनाएंगे। इसके लिए 1 कप दही, ज़्यादा दही और कम पानी देकर के इसका मट्ठा बना लीजिए। और इस कप के नाप से 2 कप मट्ठा डाल दीजिए। थोड़ा कम है, कोई दिक्कत नहीं, हमको ज़रूरत लगेगा तो और ऊपर से हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे। अब इसको हम फेंट लेते हैं। इसमें 1 चम्मच नमक डाल देंगे, यानी स्वाद अनुसार। और इसको अच्छी तरह से फेंट लेंगे, यानी सबको मिला करके एक साथ कर लेंगे। ये मिला लिया है इसको। अब इसे हम एक बर्तन से ढक करके 1 घंटा तक इसे रेस्ट करने देंगे। ये 1 घंटा हो गया है, इसको हम देख लेते हैं, ये पूरा ठीक हो गया है। अब इसमें हम अदरक और मीठा का क्यूब बना के रखे हैं, वो हम 1 टुकड़ा डाल देंगे इसमें। अदरक पाक भी इसको बोलते हैं। इसका हम वीडियो तो नहीं डाले हैं, लेकिन हम आगे इसका वीडियो भी डालेंगे अदरक पाक का। नहीं तो आप अदरक पीस करके भी डाल सकते हैं, कद्दूकस करके भी डाल सकते हैं, और थोड़ा सा मीठा डाल सकते हैं, इससे टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। फिर हम थोड़ा देर के लिए ढक के छोड़ देंगे। अब हम चलते हैं गैस की तरफ इसका छौंक तैयार करने। गैस हम ऑन कर लिए हैं और पैन को गर्म होने के लिए चढ़ा दिए हैं। अब बैटर में डालने के लिए छौंक तैयार कर लेते हैं। इसके लिए 6 से 7 हरी मिर्च को कटिंग करके रख लिए हैं। 2 से 3 चम्मच सरसों डाल दिए हैं और 1 पैकेट ईनो। सबसे पहले हम इसमें 4 चम्मच सरसों का तेल डालेंगे। इसमें तेल सरसों का ही डालें। अब इसमें सरसों सीड को हम डाल देंगे और इसे चटकने देंगे। ये चटक गया है। अब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। अब इसमें 1 चम्मच मरीच और सौंफ का पाउडर डाल देंगे। और 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। तीखा अपने पसंद के अनुसार रख सकते हैं, आप इससे ज़्यादा भी डाल सकते हैं, लेकिन बच्चों के लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए इतना ही डालें। सबको अच्छे से मिला लिए हैं। ये छौंक मेरा तैयार हो गया। अब हम इस छौंक को बैटर में डाल देंगे। देखिए बैटर एकदम ठीक है। अब इसमें हम इसे छौंक को डाल दिए हैं।
अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। देखिए बैटर कितना ठीक होना चाहिए, आपको देखने से पता चल रहा होगा। जब हम उठाएं तो ये ठीक होना चाहिए। अब इसमें हम एक पैकेट इनो डाल देंगे, 250 ग्राम सूजी में एक पैकेट इनो डाल देंगे। इसमें थोड़ा सा पानी डाल करके इसमें खमीर उठने देंगे, बस इतना ही पानी डालेंगे। इनो बनाते वक्त ही डालें। देखिए बैटर मेरा बिल्कुल सही है, अब इसमें हम कोई पानी नहीं मिलाएंगे। अब इसे रेस्ट करने के लिए 2 मिनट और छोड़ देते हैं। अब इसको बनाने के लिए एक कुकर ले लेंगे, उसमें 2 गिलास पानी डाल करके इसे हम गर्म करेंगे। अब चलते हैं गैस की तरफ, गैस ऑन कर लेना है और कुकर को चला देंगे। अब पानी जब तक को पानी को अच्छे से ढक देंगे, जब तक पानी गर्म हो रहा है तब तक हम बैटर को चेक कर लेते हैं। देखिए बैटर मेरा बिल्कुल सही है, एकदम फ्लफी भी हो गया है। इसको एक ही दिशा में थोड़ा सा फेंट लें। अब इडली स्टैंड हम ले लेंगे और उसमें थोड़ा तेल लगा करके इसको ग्रीसिंग कर लेंगे। इडली स्टैंड को मैंने ग्रीसिंग कर लिया है, अब इसमें 1-1 चम्मच करके बैटर को डाल देंगे। बैटर को ओवरलोड नहीं डालना है, थोड़ा सा कम ही डालना है जो फुल करके पूरा भर जाएगा। इस तरह से सारे इडली स्टैंड में हम बैटर को डाल लेते हैं। इडली स्टैंड में हम बैटर को डाल दिए हैं और इसका लक हम लगा देंगे। अब हम पानी को देख लेते हैं, देखिए पानी एकदम खौल रहा है, गर्म हो गया है। अब इसमें हम इडली स्टैंड को डाल देंगे और ढक्कन का सीटी निकाल करके इसे हम बंद कर देंगे। रबर रहेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ढक्कन का सीटी इसमें नहीं रहना चाहिए, सीटी को निकाल देना है। और 15 मिनट के लिए इसको हम पकने देंगे। 15 मिनट हो गए हैं, अब इसे हम चेक कर लेते हैं। देखिए कितना फूल गया है, ये एकदम रेडी हो गया। आप इसे चेक भी कर सकते हैं एक नाइफ की सहायता से, लेकिन ये एकदम परफेक्ट हो गया है। अब नीचे हम इसको उतार लिए हैं और इसे हम ठंडा होने देते हैं। अभी हमको निकालना ज़रूरी है क्योंकि मेरी बेटी को बैंक जाना है, तो उसके खाने के लिए हमको निकालना है, इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। देखिए ये
हो गया है, कितना फ्लफी बना है। थोड़ा सा ही छूने से एकदम छेद हो गया, उसमें टूट गया, इतना गर्म है जो हाथ से इसको हम छू नहीं सकते। अभी थोड़ा सा ठंडा होने पर ये अपने ही उखड़ जाता है। देखिए कैसे ये अपने आप ही जगह छोड़ दिया। बस इस तरह से हमने चार इडली निकाल लिए हैं। अब इसमें हम टमाटर और बेसन का करी बनाए हैं और आम रस। मेरी बेटी इसको चेक कर रही है, एकदम परफेक्ट बना है, खाने में बहुत टेस्टी है। और इडली के साथ ये टमाटर का करी और आम रस बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। सांभर के साथ तो लोग खाते ही हैं, लेकिन ऐसे भी आप खाइएगा, बहुत टेस्टी लगेगा खाने में। अब हम इस इडली, सब मेरा ठंडा हो गया है, अब इसको हम धीरे धीरे एक प्लेट पे निकाल लेंगे। देखिए कितना आसानी से ये निकल जा रहा है। फ्रेंड मैं आपको एक बात बता दूँ, मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताएं। अच्छी लग रही हो तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो बनाने में तो बहुत मेहनत लगता है, आप सभी जानते हैं, तो थोड़ा सा मेहनत का फल आपको थोड़ा दे दीजिए। बस इसे अब हम लाल चटनी के साथ, लाल करी के साथ, तो चटनी भी बोल सकते हैं और करी भी बोल सकते हैं, आप इसे अपने परिवार के साथ इडली का मजा लीजिए। सुबह का नाश्ता ये बहुत ही अच्छा है, और आपको, आप भी इस तरह से एक बार इडली बना करके ज़रूर खाएं। देखिए आपको एक हम तोड़ के दिखा रहे हैं, देखिए कितने आसानी से टूट गया और कितना फ्लफी बना है। आपको नज़दीक से भी दिखा दे रहे हैं, ये कितना अच्छा जाली बना है इसमें। चावल के इडली और दाल, चावल और दाल का इडली तो सभी बना के खाते हैं, इस तरह से सूजी का इडली बना करके खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और बहुत जल्दी और झटपट बन भी जाते हैं। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो एक सब्सक्राइब ज़रूर करें मुझे सपोर्ट करने के लिए। तो मिलते हैं ऐसी नई वीडियो में, नई रेसिपी में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।